वीवो वालों ने इंडिया में पिटारा खोल दिया और लॉन्च कर दिया वीवो का U20। और इस बार मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये प्राइस आने के बाद ही बना रहा हूं, क्योंकि यार मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे प्राइस पता होना चाहिए कि यार इस फोन का क्या प्राइस है। और ये फोन इंडिया में दो वेरियंट में लॉन्च हुआ है, एक है 4GB और 64GB का, जो आपको मिल जाता है केवल 10,990 रुपए का। और यदि आपको ज्यादा रैम चाहिए तो यार आपके पास ऑप्शन है 6GB और साथ में 64GB की इंटरनल मेमोरी के साथ। और इस फोन का प्राइस है 11,990 रुपए। लेकिन एक खुशखबरी ये है, यदि आप ये फोन पहले से पैसे देकर खरीदते हैं ना, तो ये फोन में आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 11,000 रुपए में बड़ा तगड़ा फोन है। मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूं कि यार ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और सबसे पहले जब भी आप फोन को देखेंगे ना, तो यार इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी धांसू है। पीछे एक तरफ आपको काफी अच्छा फिनिश मिल जाता है, ग्रेडियंट फिनिश है, साथ में यहां पर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है और यहां पर आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं। और आगे एक तरफ जब आप देखेंगे तो भाई यहां पर जो आपको डिस्प्ले मिलती है ये भी बड़े कमाल की है। यह है 6.5 इंच की फुल HD+ वाला डिस्प्ले है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है और साथ में आपको ऊपर तरफ एक नॉच देखने को मिल जाती है। और मेरे हिसाब से यहां पर जब भी आप पहली बार इस फोन को होल्ड करेंगे ना, तो आपको काफी अच्छा लगने वाला है। बस मैं आपको एक चीज ये कहूंगा, आजकल जितने भी फोन आते हैं ना, ये बहुत ज्यादा चिकने होते हैं। जब भी आप हाथ लगाएंगे ना, तो आपके जो उंगलियां हैं वो इसमें छप जाएगी। तो कृपया करके बैक कवर जरूर लगवा लीजिएगा, नहीं तो आपका फोन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। और मेरे इस हाथ पे है ये Realme का XT और इस हाथ पे Vivo का U20। अब आप पीछे से देखिए, दोनों फोन ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम है। आप ये नहीं बता सकते कि यार कौन सा फोन ग्लास का है, कौन सा फोन प्लास्टिक का है। अब मैं आपको एक चीज ये बता सकता हूं कि यार इस फोन का सबसे हाईलाइटिंग जो फीचर है वो है बड़ी सी बैटरी। यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। यदि आप इस फोन को पूरे दिन यूज करते ना, तो यार मेरे हिसाब से चाहे आप हैवी वाले गेम खेलें, चाहे जितना भी मल्टीटास्किंग करें, एक दिन तो आपका कहीं भी नहीं गया। और यदि आप मॉडरेट यूज करते हैं, तब तो यार ये बैटरी आपका 2 दिन निकाल देगी। चलो ये तो रही इस फोन के बैटरी के बारे में। अब मैं आपको ये भी कह सकता हूं, ये फोन आपका पावर बैंक का भी काम कर देगा, क्योंकि यार यहां पर आपको रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने फोन से दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हैं, बस आपको केबल लगाना है और आपके पास 5000mAh की बैटरी भी हो जाएगी और साथ में आपका फोन भी हो जाएगा। अब आप किसी भी फोन को इस डिवाइस के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पर आपको 18W का फास्ट चार्जर मिलता है, आपको अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा, ये बॉक्स के अंदर मिलता है, फटाफट आपका फोन चार्ज हो जाएगा। जिन लोगों को USB-C टाइप चाहिए, तो भैया मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, यहां पर आपको USB-C टाइप नहीं मिलता है, बट यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है और साथ में आपको बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिल जाता है। उसके साथ साथ जो इस फोन का लाउड स्पीकर है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी आपको निराश नहीं करेगा, वो भी आपको ठीक ठाक वॉल्यूम दे देगा। और जब भी मैंने यहां पर हेडफोन लगाकर वॉल्यूम सुना, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा है। मतलब यार बिल्ड क्वालिटी के मामले में और साथ में बैटरी के मामले में यहां पर कोई भी कटौती नहीं करी गई। उसके साथ साथ यार आज की डेट में सबके पास 2 4G वाले सिम कार्ड होते हैं और साथ में वो लगाना चाहते हैं एक मेमोरी कार्ड, तो यार यहां पर आपको ट्रिपल स्लॉट मिल जाता है। आप अपने 2 4G वाले सिम कार्ड भी लगा सकते हैं और साथ में मेमोरी कार्ड को भी लगा सकते हैं। और मैं इस फोन का गिव अवे कर रहा हूं, ये मैं अब इसलिए बता रहा हूं कि यार ताकि आपको पता चल जाए कि यार आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में ही मिलेगा, तो कृपया करके इस वीडियो को ना आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे फीचर की जो आज की डेट में बहुत ज्यादा मस्ट हो चुका है, वो है प्रोसेसर। यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 675 मिल जाता है, जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। यहां से आप चाहे पबजी खेले, चाहे S4 9 खेले, आराम से खेल सकते हैं। ज्यादा ये फोन हीट भी नहीं होता और साथ में आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप यहां से पबजी खेलेंगे ना, तो भैया HD सेटिंग में यार आप हाई ग्राफिक्स में पबजी खेल सकते हैं। यार ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि यार धीरे धीरे कर
हर एक मोबाइल कंपनी अपने फोन में कैमरे के साथ साथ प्रोसेसर में भी ध्यान दे रही है। यदि आप कुछ पहले जाते हैं ना, तो पहले पता नहीं कौन सा प्रोसेसर होता था, कौन सी बिल्ड क्वालिटी होती थी, लेकिन आज की डेट में आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है और साथ में प्रोसेसर भी काफी कमाल का मिल जाता है। अब ये देखिए, ये है इस फोन का अंतुतु बेंचमार्क स्कोर जो है 206,274 का। और यार इसका स्कोर भी काफी अच्छा है, मतलब यदि आपको गेम के लिए फोन चाहिए तो आप इस फोन में जा सकते हैं और साथ में यहां पर आपको गेम बूस्टर भी मिल जाता है। आप इसकी मदद से ना और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं जब आप गेम खेल रहे हो। इस फोन में आपको तीन कैमरे मिल जाते हैं, एक है 16 मेगापिक्सल का, एक है 8 मेगापिक्सल का और एक है 2 मेगापिक्सल का। और आगे की तरफ आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहां पर आप माइक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं, यहां पर आपको बुके इफेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर आप स्लो मोशन वाले वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहां पर आपको टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और कैमरे की सेटिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब मैं आपको थोड़ी सी फोटो दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है डे लाइट कंडीशन की फोटो। डे लाइट कंडीशन में इस फोन से जब भी आप फोटो लेंगे ना, तो फोटो काफी अच्छी आ रही है, काफी अच्छी आपको डिटेल भी देखने को मिल रही है और साथ में जो कलर है वो भी आपको काफी पंची देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ जब भी आप माइक्रो शॉट्स यहां से लेते हैं ना, तो यार यहां पर भी आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली है और यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड एंगल में भी आपको काफी अच्छी डिटेल मिल जाती है, साथ में आप 120 डिग्री तक अल्ट्रा वाइड हो सकते हैं। और जब भी आप रात में फोटो लेंगे तो यार आपको एक तरफ नॉर्मल फोटो दिख रही है और दूसरी तरफ जो यहां पर आपको नाइट स्केप मोड मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो फोटो है वहां पर आपको ब्राइटनेस ज्यादा दिख जाएगी, ज्यादा अच्छी फोटो दिख जाएगी। मतलब यार ये फोन का जो कैमरा है वो आपको अच्छा खासा लगने वाला है। और आज की डेट में सब यार डालना है अपनी फोटो इंस्टाग्राम, फेसबुक और साथ में बहुत जगह, तो यार आप इस फोन को ले सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ। सुबह सुबह वॉक करने का अपना ही मजा है और अच्छा सा कैमरा मिल जाए तो यार और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। अब मैं इससे 1080p वाले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये है 30fps पे। एक बार मैं भाग के भी आपको दिखा देता हूँ कि यार यहाँ पर EIS कैसा है। वैसे यहाँ पर आपको 60fps का भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार चलते हैं फोकस में भी, देखते हैं यार फोकस लेता है कि नहीं लेता। हाँ, फोकस भी अच्छा खासा ले रहा है और साथ में जो आपको कलर दिख रहे हैं वो भी आपको काफ़ी पंची दिख रहे हैं। और वैसे आपको जो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है वो इसी का जो माइक है उसी से सुनाई दे रही है। अब ये जो वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके सेल्फी कैमरा से। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार यदि आप सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको कैसे कलर देखने को मिलेंगे, बैकग्राउंड आपको कैसा देखने को मिलेगा और साथ में जो चेहरे पे फोकस है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो वीडियो है ये है 1080p वाला, वो भी रात के अंधेरे में, ताकि आपको पता चल जाए कि यार रात में इस फोन का कैमरा कैसा है। चलिए एक बार मैं दौड़ के भी दिखा देता हूँ यार कि यार यहाँ पर EIS कैसा है। अब ये जो वीडियो है ये मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, इसी का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है और मेरे सामने एक लाइट है। वैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ऊपर आपको लाइट दिख रही होगी और अच्छा है इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है। और वैसे वीवो जो है ना वो कैमरे के लिए बड़ा जाना जाता है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर कैमरे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है और ये चीज जब सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा ना उसके बाद इम्प्रूव हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीवो इसके कैमरे में और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट ला देगा। और अब जो आप देख रहे हैं ये है स्लो मोशन। चलिए यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब मुद्दे की बात यह है कि यार ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे मैं आपको ये कह सकता हूं, ये फोन Redmi के Note 8 और साथ में जो Realme का 5S है ना उसको काफी अच्छी टक्कर देगा, क्योंकि यहां पर आपको बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, प्रोसेसर भी काफी कमाल का मिल जाता है और जो यहां पर कैमरा है ना जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा उसके बाद और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। और यदि आपको Vivo का जो फन टच OS पसंद है ना तो भैया आपको यहां पर वही OS मिल जाता है और यहां पर आपको फेस अनलॉक और साथ में फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोनों ही चीज फास्ट है। मैं तो इतना कहूंगा ये फोन जिस प्राइस में आया है ना बहुत अच्छा है, कहीं आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाए ना तो और चांद चांद लग जाएगा, क्योंकि यार हमारी जेब से थोड़ा सा और पैसा बच जाएगा। और अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। आपको बस इतना बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि यार आप यहां पर PUBG कौन सी सेटिंग में खेल सकते हैं।
जो लोग नीचे कमेंट करेंगे उनमें से किसी एक को ये डिवाइस मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि यार धड़ाधड़ नीचे कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यार हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो आते रहते हैं, ऐसे ही गिव अवे आते रहते हैं। बहुत ही जल्दी मैं गिव अवे का जो रिजल्ट है ना, वो आपको इंस्टाग्राम और साथ में ट्विटर में दूंगा। तो कृपया करके ट्विटर को और साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके दिमाग में अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो भी आप पूछ लीजिएगा। और यार मन करे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।